देश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार रावण की तरह जनता को छल नहीं पाओगे। साथ ही दत्ती ने बताया कि बिना रिफाइनरी में बड़ा निवेश होने जा रहा है, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस बार कांग्रेस के छलावे में जनता नहीं आएगी। जैसा मैं पहले भी आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि पिछली बार जब वचन पत्र जारी हुआ तब भी कमलनाथ जी की ही अगुवाई में संपूर्ण प्रक्रिया हुई थी, और जब वचन पत्र मिथ्या साबित हुआ, उन्होंने कहा आवास का अधिकार सेंटर ने पैसा दिया आवास के लिए, मैचिंग ग्रांट राज्य ने नहीं दी, कुटीर नहीं आ पाए, उन्होंने कहा 5 रुपया दूध पे बोनस वो नहीं दे पाए, उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता वो नहीं दे पाए, तो तमाम बातें झूठ साबित हुई। अब वो वापस जब चुनाव आ रहा है तो ये तमाम बातें पुनः करी जा रही है, तो जनता इन सब बातों को समझ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि पुनः जनता छलावे में आएगी।